हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं विजन आईएएस में 2022 के करंट अफेयर्स का अगला लेक्चर। हम लोगों ने दोस्तों एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। एनवायरनमेंट का अगला टॉपिक वो है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। समझते हैं ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 न्यूज़ में क्यों आ गई थी। रिसेंटली द कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 टू एडवांस द टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 फ्रॉम अर्लियर 2030। तो दोस्तों जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई थी 2018, इसमें अभी अमेंडमेंट करा गया है और पहले दोस्तों जो टारगेट था 2025-26 का, इसको बढ़ाकर 2030, मतलब जो पहले टारगेट एक्चुअली 2030 था, अब इस टारगेट को 2025-26 तक अचीव करने का हम लोगों ने सोचा है, तय कराया। और टारगेट क्या है कि हम लोग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल, और किसमें, पेट्रोल में ही एक्चुअली ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये टारगेट है 2025-26 तक का, इस वजह से ये टॉपिक न्यूज में आ गया। अब समझ लेते हैं बायोफ्यूल्स के बारे में। बायोफ्यूल क्या होता है दोस्तों? बायोफ्यूल रिफर टू द लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स सच एज एथेनॉल, बायोडीजल डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट और एनी अदर ऑर्गेनिक मटीरियल। तो दोस्तों बायोफ्यूल आपको नाम से पता चल रहा है कि लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल होता है, जैसे कि एथेनॉल और बायोडीजल। और ये किस किस से डिराइव करा जाता है, किस किस से निकाला जाता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से निकाला जाता है, और कोई भी ऑर्गेनिक मटीरियल जैसे कि फीड स्टॉक, इन सब से दोस्तों आपको पता है बायोफ्यूल बनाया जाता है। बेस्ड ऑन द फीड स्टॉक जैसे कि रॉ मटीरियल्स यूज टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स, दे आर क्लासिफाइड इंटू फोर जनरेशन। तो दोस्तों जिस, मतलब जिन मटीरियल को इस्तेमाल करके बायोफ्यूल बनाया जाता है ना, उन मटीरियल्स के आधार पर बायोफ्यूल्स को आप चार जनरेशन में बांट सकते हो, ठीक है। चार जनरेशन कौन कौन सी है ये देख लीजिए। पहली है फर्स्ट बायो जनरेशन, कौन कौन सी है दोस्तों? फर्स्ट जनरेशन में बायोफ्यूल जो है फूड रिलेटेड सोर्सेज से बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताओ फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से मटीरियल से मिलाकर बायोफ्यूल बनाया जाता है। तो याद रखिए फूड रिलेटेड सच एज सुगर्स, स्टार्च मटीरियल दैट आर ऑफन फूड सोर्स फॉर पीपल और एनिमल्स, तो ठीक है इनसे बनाया जाता है। एथेनॉल फ्रॉम सुगर, सोयाबीन, और बायोडीजल फ्रॉम सोयाबीन, तो इनसे बनाया जाता है। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल कौन सा है दोस्तों? सेकेंड जनरेशन वाले बायोफ्यूल्स को सेलुलोसिक बायोफ्यूल्स के नाम से भी बुलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पता होना चाहिए, टर्म सेलुलोसिक बायोफ्यूल। और दोस्तों जो सेकंड जनरेशन वाले बायोफ्यूल होते हैं ये नॉन फूड सोर्सेस से बने होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला फूड सोर्सेस से था, दूसरा वाला क्या हो गया? नॉन फूड सोर्सेस, जैसे कि एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गया, वुड चिप्स हो गई, वेस्ट क्रॉप्स हो गया, तो इनसे बनता है बायोफ्यूल। जो थर्ड जनरेशन वाला बायोफ्यूल है इसको एल्गल बायोफ्यूल्स भी कहा जाता है, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एक्वेटिक फीड स्टॉक सच एज एल्गी। तो थर्ड बायो जनरेशन वाले, थर्ड जनरेशन वाले बायोफ्यूल जो है, याद रखिए एल्गी जो फीड स्टॉक होते हैं इनसे बनाए जाते हैं। वहीं फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स की बात करी जाए दोस्तों, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स डेवलपमेंटल, ये दोस्तों अभी डेवलपमेंटल स्टेज पर है, ठीक है। यूजिंग बायो इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड फीड स्टॉक, तो इनसे बनाया जाएगा फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो ये अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है, आई होप आपको पता चल गया होगा। प्रेजेंटली बात करी जाए तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आर द मेन सोर्स ऑफ बायोफ्यूल्स ग्लोबली। तो अभी दोस्तों ग्लोबल लेवल पे फर्स्ट जनरेशन वाले बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो आपको पता है ना फूड से, फूड जो मटेरियल है उससे जो बायोफ्यूल बनता है उसका ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। डिस्पाइट 140 बिलियन टन्स ऑफ एग्रो वेस्ट और बायोमास जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एवरी ईयर, सोचिए इतना हम लोग फिर भी वेस्ट कर रहे हैं, 140 बिलियन टन्स एग्रो वेस्ट कर रहे हैं, अगर इसको अच्छे से यूटिलाइज कर ले तो कितना बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस हो सकता है। इंडिया रीच्ड 9.99% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इन मे 2020। तो सोचिए हम लोगों ने पेट्रोल में लगभग 10% का एथेनॉल ब्लेंडिंग कर लिया है एड ऑफ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। तो दोस्तों जो बायोफ्यूल पॉलिसी हम लाए हैं अभी 2018 में, उसके टारगेट के हिसाब से हम आगे चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बायोफ्यूल्स टाइमलाइन ऑन की डेवलपमेंट्स, तो दोस्तों बायोफ्यूल्स टाइमलाइन ऑन की डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। 2002-03 में क्या हुआ था दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ लॉन्च्ड एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम फॉर सेल ऑफ 5% इन 9 स्टेट्स फ्रॉम जनवरी 2003। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च करा था, क्या लॉन्च करा था? एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम लॉन्च करा था फॉर सेल। तो 5% जो है हम लोगों ने एथेनॉल ब्लेंडिंग करा था, और इसको नौ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में बेचने के लिए भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया था। फिर आया दोस्तों
2001 पहले, एक्चुअली 2001 का था, मैंने 2002-3 पहले बता दिया, सॉरी दोस्तों, पहले 2001 देख लेते हैं। इंडिया स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पायलट प्रोजेक्ट्स विद 5% एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो दोस्तों शुरुआत में हमने 2001 से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी शुरू करी थी, किसमें? एथनॉल ब्लेंडिंग में, और पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए थे कि हम लोग जो है 5% एथनॉल ब्लेंडेड कर पाए पेट्रोल के साथ। फिर 2002 का तो मैंने बता दिया। उसके बाद 2000 देख लीजिए, 9 में क्या करा, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लाई थी। इस पॉलिसी के जरिए हमने लॉन्च करा था कि हम लोग जो है अचीव करेंगे 20% ब्लेंडिंग ऑफ बायोफ्यूल्स बोथ फॉर बायोडीजल और बायो एथनॉल बाय 2017 का टारगेट रखा था। फिर आया दोस्तों 2014 का समय, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा था एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म फॉर एथनॉल प्रोक्योर्ड अंडर EBP प्रोग्राम। उसके बाद 2018 में देख लीजिए, हम लोगों ने, आपको पता है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल लाई गई थी एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी लाई गई थी, जिसके जरिए हम एनहेंस करना चाहते थे और ऑगमेंट करना चाहते थे बायोफ्यूल प्रोडक्शन को। ये तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, 2018 की जो पॉलिसी लाई है इसमें अमेंडमेंट भी करा गया है। अब देख लेते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। अब इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी न्यूज में आ गई है। ये जो 2018 की पॉलिसी थी, इसका एम क्या था? इसके जरिए दोस्तों एम सिंपल था, इंक्रीज करना यूसेज ऑफ बायोफ्यूल्स एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, ठीक है, अगले कमिंग डिकेड्स में, और यूटिलाइज करना उसको, ठीक है, डेवलप एंड प्रमोट करना डोमेस्टिक फीड स्टॉक को एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो दोस्तों जो भी फीड स्टॉक डोमेस्टिकली हो रहा है उसका यूटिलाइज करना किस चीज के लिए? प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स के लिए। दूसरा दोस्तों है बायोफ्यूल कवर, कौन कौन से बायोफ्यूल कवर थे इस पॉलिसी के तहत? देख लीजिए, बायो एथेनॉल कवर था, बायोडीजल कवर था और बायो सीएनजी कवर था। इंप्लीमेंटेशन देख लीजिए, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, इसको सेटअप करा गया था 2020 में, जिसको चेयर करते हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। इट हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 14 अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो दोस्तों 14 अलग जो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन इसमें आती है। इसका काम क्या है, ठीक है, इसका काम है कि टेक डिसीजन फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग। तो दोस्तों डिसीजन लेना ताकि इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करी जा सके पॉलिसी को और उसका मॉनिटर भी करा जा सके, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड करना ओवरऑल कोऑर्डिनेशन अमंग FCI एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अगला देख लीजिए फीचर इस पॉलिसी का, वो है अदर फीचर्स अपार्ट फ्रॉम अचीव्ड एंड अमेंडेड टारगेट्स। पहला है कैटेगराइजेशन ऑफ बायोफ्यूल्स अप टू 3 जनरेशन। तो इस पॉलिसी के जरिए जो बायोफ्यूल्स है उनको 3 जनरेशन में बांटा था, ठीक है, एंड सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड जनरेशन एथनॉल बायो रिफाइनरीज थ्रू बायबिलिटी गैप फंडिंग। तो इसका एक और एम था कि भाई 3 जनरेशन डिसाइड कर दिए। इसके अलावा जो सेकेंड जनरेशन वाला बायोफ्यूल था, बायो एथनॉल मतलब एथनॉल बायो था, इसको क्या करना, प्रोडक्शन में सपोर्ट करना किसके थ्रू? वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म के जरिए। एक और देख लीजिए, इंक्रीज स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फर्स्ट जनरेशन एथनॉल सच एज डैमेज फूड ग्रेन्स, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स, शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स, इनको भी इंक्लूड करना था बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउज यूज ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स एज रॉ मटेरियल आफ्टर NBCC अप्रूवल। तो दोस्तों अगर आपको पता है भारत में बहुत सारा सरप्लस फूड ग्रेन होता है, तो इस पॉलिसी ने बोल दिया था कि जो भी सरप्लस फूड ग्रेन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो बायो एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, किसके अप्रूवल के बाद? NBCC के अप्रूवल के बाद। टू डेवलप अ नेशनल बायो मास रिपोजिटरी बाय कंडक्टिंग अप्रेजल ऑफ बायोमास अक्रॉस द कंट्री। अब रिसेंट अमेंडमेंट देख लेते हैं इस पॉलिसी में क्या क्या बदलाव करे गए हैं, देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम एडवांसिंग टारगेट द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड, मैंने बता दिया टारगेट को जो है एडवांस कर दिया गया। पहले हम लोगों ने टारगेट 2030 के बना रखे थे, अब 2025-26 तक टारगेट बना दिए हैं। इसके अलावा और भी बदलाव करे गए हैं दोस्तों, कौन कौन से? यूज ऑफ मोर फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। अब बोल दिया कि इस अमेंडमेंट के जरिए बोल दिया गया है कि हम लोग जो है और ज्यादा फीड स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन, किस चीज का? बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी चलाया जाएगा इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में। टू ग्रांट परमिशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल्स इन स्पेसिफिक केसेस। तो ऑब्वियसली इसके जरिए अमेंडमेंट करा गया और हमने बोला है कि हम लोग जो है कुछ स्पेसिफिक केसेस में जो एक्सपोर्ट है बायोफ्यूल्स का उसको भी प्रमोट करेंगे। इसके अलावा एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ NBCC एंड इट हैज परमिशन टू चेंज द पॉलिसी। तो अब जो है नए मेंबर्स ऐड करे गए हैं NBCC में, जिसके तहत दोस्तों इट हैज परमिशन टू चेंज द पॉलिसी। अब इनके पास परमिशन होगी इस कमेटी के जरिए कि वो जो है पॉलिसी में थोड़े बहुत बदलाव भी ला सकें अपने काम के अनुसार, जैसा उन्हें फ्लेक्सिबल लगता है उसके अनुसार, ठीक है। अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। हम लोगों ने पॉलिसी ला दी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? विद नियरली 85% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट। आपको पता है भारत जो है जितनी भी ऑयल
कंज्यूम करता है उसका 85% जो रिक्वायरमेंट है हम लोग जो है इंपोर्ट के थ्रू मीट करते हैं। ठीक है, अगर हम बायोफ्यूल पॉलिसी को प्रमोट करते हैं डाइवर्स डोमेस्टिक और सस्टेनेबल एनर्जी तरीके से, मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं बायोफ्यूल, मतलब इस पॉलिसी का, तो इसकी वजह से होगा क्या, द यूज ऑफ डाइवर्स डोमेस्टिक और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेस हमारे पास बनेगा, हम लोग जो है इंपोर्ट कम कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आप बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो भारत में, तो हम लोगों का इंपोर्ट कम होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा हमको क्लीन अबंडेंट और अफोर्डेबल एनर्जी मिल पाएगी। ठीक है, और देख लीजिए नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी, आपको पता है ये जो पॉलिसी है रिड्यूस करेगी इंडिया का डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ऑयल रिसोर्सेज एंड इट इज एस्टिमेटेड टू सेव अबाउट $4 billion एनुअली। सोचिए इतना पैसा हमारा $4 billion एनुअली बचेगा इफ द 20% ब्लेंडिंग इज अचीव्ड। तो आपको पता है 20% ब्लेंडिंग हम लोगों ने टारगेट कितने का रखा है, 2025-26 का, अगर हम टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हमारे 4 billion जो पैसे हैं सालाना बचेंगे, ये नीति आयोग ने बोला है। और देख लीजिए सिग्निफिकेंस इकोनॉमी में, देख लीजिए स्टिमुलेटिंग क्लीन एनर्जी कंपनीज इट कैन हेल्प इंडिया एस्टेब्लिशिंग एन एडवांस्ड बायो इंडस्ट्री। ऑब्वियसली अगर हम लोग जो है बायोफ्यूल पॉलिसी का अच्छे से इस्तेमाल करके बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं तो भारत में आपको पता है बायो इंडस्ट्री बहुत सारी डेवलप हो सकती है जिसकी वजह से इकोनॉमिकली हमें फायदा पहुंच सकता है। इट विल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेगा, भारत में बहुत सारी जॉब क्रिएट होंगी, इसके अलावा इंक्रीज होगा फार्मर्स का इनकम, फार्मर्स के इनकम कैसे इंक्रीज होगा, आपको पता है जो आप शुगर केन वगैरह है जिससे आप बायोफ्यूल बनाओगे, ठीक है, ये सब कुछ आप खरीदोगे तो किसानों से, तो किसानों की इनकम इंक्रीज होगी। वेस्ट टू वेल्थ, आपको पता है बहुत सारा एग्रीकल्चर वेस्ट चला जाता है, फूड वेस्ट चला जाता है, उस फूड वेस्ट को आप अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हो बायो एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऑब्वियसली वेस्ट टू वेल्थ बनेगा। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज, ऑब्वियसली जब आप बायोफ्यूल बनाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ लगेगा आपका, रूरल एरियाज में लगेगा, क्योंकि रूरल एरिया से आपको ज्यादा एग्रीकल्चर के जो मटेरियल्स हैं वो मिलेंगे बायोफ्यूल जनरेशन करने के लिए। इसके अलावा रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ प्राइस वॉलेटिलिटी, आपको पता है आज कल जो इंटरनेशनल मार्केट में है प्राइस की बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चलती रहती है, किसको लेकर, फ्यूल को लेकर, कभी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो उस वॉलेटिलिटी को डील करने में भी हमें मदद करेगा। ठीक है, एनवायरमेंट को लेकर भी कुछ सिग्निफिकेंस है, देख लीजिए अगर हम बायोफ्यूल को प्रमोट करते हैं तो इससे होगा क्या, लो कार्बन इंटेंसिटी होगी, आपको पता है हम लोग जो फ्यूल वगैरह डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम अगर बायोफ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो लो कार्बन इंटेंसिटी होगी। बायोफ्यूल्स बन क्लीनर देन फॉसिल फ्यूल्स, ये तो आपको पता है बायोफ्यूल जो है क्लीनर होते हैं फॉसिल फ्यूल के मुकाबले। इट विल रिड्यूस कार्बन एमिशन फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन रिजल्टिंग इन लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ऑब्वियसली लोअर ग्रीन हाउस गैस होगा, प्रमोट करेगा कार्बन न्यूट्रलिटी को, हेल्प करेगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बाय कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू फ्यूल्स, तो वेस्ट को अगर हम फ्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोगों ने फायदे की तो बात कर ली, अब कुछ ना कुछ इश्यूज से जुड़े हुए होंगे, तो जुड़े जो इश्यूज जो हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड उन इश्यूज को भी समझ लेते हैं। पहला है प्रोडक्शन साइड का इशू, प्रोडक्शन साइड में क्या क्या इशू है, इंपैक्ट ऑन फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, पहला तो यही इशू है कि भाई अगर हम ज्यादा फूड का इस्तेमाल करते हैं बायोफ्यूल्स के लिए तो कहीं हमारा फूड और वाटर सिक्योरिटी पे तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो देख लीजिए इंपैक्ट ऑन फूड एंड वाटर सिक्योरिटी एज द एस्टिमेटेड एथेनॉल डिमांड ऑफ 10.16 बिलियन लीटर्स बाय 2025 विल रिक्वायर 6 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ शुगर। सोचिए इतना हम लोगों को शुगर की जरूरत पड़ेगी अगर हम लोगों को 2025 तक 10 बिलियन जो लीटर का एथेनॉल डिमांड है इसको पूरा करना है या प्रोडक्शन करना है। इसके अलावा 16.5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पर एनएम बाय एस्टिमेटेड 2025। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं शुगर का ग्रेन्स का तो कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी वगैरह को तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बीइंग अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, और आपको पता है ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना, गन्ना तो आपको पता है ना, शुगर केन जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, द यूज ऑफ शुगर केन इंक्रीज द वाटर फुटप्रिंट, ऑब्वियसली सोचिए अगर आप ज्यादा शुगर केन का इस्तेमाल कर रहे हो बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए तो ऑब्वियसली इससे होगा क्या, वाटर फुटप्रिंट भी जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, और देख लीजिए प्रोडक्शन साइड में क्या क्या इशू है, इनकंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट फूड स्टॉक, आपको पता है जो फूड स्टॉक है ये हमेशा अवेलेबल तो नहीं रहता, ठीक है, अब क्योंकि क्यों अवेलेबल नहीं रहता, ड्यू टू हाई वल्नरेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी आजकल देखने को मिल रहा है, तो इन सारे इवेंट्स की वजह से फीड स्टॉक हमको हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकता, तो इस वजह से भी प्रोडक्शन साइड में इशू आ सकता है। अगला है हायर प्राइस ऑफ एथेनॉल, आपको पता है इंडिया में जो एथेनॉल के प्राइस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं, देख लीजिए हायर प्राइस ऑफ एथेनॉल इन इंडिया ड्यू टू द फिक्स्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल लाइक शुगर केन एंड फूड ग्रेन्स, तो ऑब्वियसली शुगर केन और फूड ग्रेन के जो प्राइस हैं
वो फिक्स रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आप जब करोगे तो ऑब्वियसली उसके प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। अगला है लैक ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन ऑफ फैसिलिटीज। तो आपको पता है एथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है इनमें कमी है बहुत ज्यादा। एडिशनली लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और आपको पता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले प्राइवेट लोग जो है वो भी इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगला इशू है ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज और यूसेज साइड की तरफ से। देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज और यूसेज साइड की तरफ से क्या क्या इशू है। पहला है नॉन यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ एथेनॉल अक्रॉस कंट्री एज एथेनॉल इज नॉट प्रोड्यूस्ड और अवेलेबल इन सम स्टेट्स फॉर ब्लेंडिंग। तो दोस्तों आपको पता है पूरे देश में अभी भी एथेनॉल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना ही अवेलेबल है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ब्लेंड कहां से करोगे जब एथेनॉल है ही नहीं। दिस इनडायरेक्टली इंक्रीज द कॉस्ट एंड एमिशन ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑब्वियसली अब जब पूरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करोगे, क्योंकि एक ही जगह पे सपोज मान लीजिए एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर आप दूसरी मतलब कंट्री में दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, इसकी वजह से होगा क्या एमिशंस वगैरह बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज नॉट बीन टेकन अप इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो देख लीजिए ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टेक और इंडस्ट्रीज, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाका है हमारा इंडिया का, वहां पे ना तो अच्छे से फीड स्टॉक अवेलेबल है ना ही इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, इसलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग वहां पर हो ही नहीं पा रही है। अगला है देख लीजिए रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ एथेनॉल। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इस चीज को लेकर, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ एथेनॉल को लेकर, ड्यू टू नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अमेंडमेंट प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 बाय ऑल स्टेट्स। तो दोस्तों इसमें जो है अमेंडमेंट नहीं करे गए हैं स्टेट्स के द्वारा, क्योंकि आपको पता है जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन के लेकर जो कानून बनाते हैं वो स्टेट्स बनाते हैं। तो 1951 का जो कानून है, इस कानून के तहत दोस्तों अभी भी मुसीबत आ रही है किस चीज को लेकर, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ एथेनॉल को लेकर। तो जब तक सारे के सारे स्टेट्स जो हैं इस कानून में बदलाव नहीं कर देते, तब तक मूवमेंट जो है एथेनॉल का बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। इसके अलावा इंक्रीज्ड इंप्लीमेंटेशन कॉज्ड इट रिक्वायर्स एडिशनल स्टोरेज टैंक्स, एथेनॉल कंप्लेंट डिस्पेंसिंग यूनिट चाहिए, कैलिब्रेशन ऑफ नोजल चाहिए, सारी की सारी चीजें भी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इशू डाल रही हैं। इसके अलावा इंक्रीज्ड रेट्रोफिटिंग कॉस्ट, रेट्रोफिटिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एज यूज ऑफ एथेनॉल 20% विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एथेनॉल 20 कंपेटेबल व्हीकल्स। तो आपको पता है रेट्रोफिटिंग कॉस्ट क्या होता है, देखिए आपने एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बना लिया या डीजल बना लिया, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल या डीजल जो है जो नॉर्मल इंजन चल रहे हैं अभी कार वगैरह जो भी व्हीकल्स हैं उनमें तो वर्क नहीं करेगा, तो आपको क्या है व्हीकल के इंजन में भी बदलाव करने पड़ेगा, तो इसी वजह से वो रेट्रोफिटिंग कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि इनोवेशन इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन जो है ये चाबी है, ठीक है, किस चीज का, हम लोगों को अचीव करने का नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में जो भी टारगेट रखे हैं उसको अचीव करने के लिए हमको इनोवेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और कोलैबोरेशन करने पड़ेगा। और ये कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पहला ensuring uniform availability of ethanol blends। देखिए जो जो issue आपने यहाँ पे पढ़े हैं ना उन्हीं issues को solve कर दीजिए आपका answer बन जाएगा। तो हमने देखा कि पहला क्या था कि uniform तरीके से available नहीं है, क्या नहीं है available ethanol blends available नहीं है across country, तो पहला obviously ये issue solve कर लीजिए। दूसरा infrastructure, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था ना infrastructure की कमी है, तो infrastructure improve कर लीजिए, ठीक है, infrastructure for of oil marketing companies का जैसे कि ethanol storage handling blending dispensing infrastructure improve कर लीजिए। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, तो मैंने बताया ना आप इस तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए शुगर केन वगैरह या किसी चीज का एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए कि आपका फूड को लेकर ही इशू हो जाए, तो हम लोगों को सस्टेनेबल तरीके से सप्लाई को इशू करना है। देख लीजिए बाय इंप्रूविंग प्लांट बायोमास ओवरकमिंग इंटर स्टेट मूवमेंट इसको इशू करना सॉल्व करना है, एक्सपेडिंग रेगुलेटरी क्लियरेंस फॉर न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स एंड सपोर्टिंग कैश कंस्ट्रेंट शुगर मिल्स इन बायो एथेनॉल प्रोडक्शन। अगला वे फॉरवर्ड लिख सकते हो प्रोवाइड अ टाइमलाइन ऑन रोल आउट ऑफ एथेनॉल 20 कंप्लायंट व्हीकल्स। तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया कि जो एथेनॉल 20 को चला मतलब जो एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल होगा या बायोडीजल होगा उसको यूज करने के लिए आपको व्हीकल्स के इंजन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो उसको भी हम कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी टाइमली इंप्लीमेंट कर पाए और व्हीकल्स में जो भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है उसको कर सकें, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज हैं उनको भी देख लेते हैं बायो एथेनॉल से रिलेटेड ही। पहला है बिहार ओपन्स इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहां पर खोला गया है, तो बिहार में खोला गया है। इट इज फर्स्ट वन डेवलप्ड सिंस द सेंटर गेव गो अहेड टू बिहार एथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021। तो बिहार जो है एथेनॉल प्रोडक्शन और प्रमोशन पॉलिसी लाया था 2021 में, इसको सेंटर ने अप्रूवल दे दिया था, तो उसके बाद ही ये जो है
बिहार ने ओपन कराया ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्लांट को। एथनॉल प्रोडक्शन विल हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली इनमें मदद करेगा, ये करेगा। आपको पता है पेट्रोल का जो प्राइस है वो इसमें कमी लाएगा और एम्प्लॉयमेंट तो आएगी ही आएगी। द एथनॉल प्लांट हैज बीन बिल्ट यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड विल नॉट डिस्चार्ज एनी वेस्ट, मेकिंग इट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट दैट इज कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो सोचिए ये जो प्लांट तैयार कराया गया है बिहार ने, तो इसमें कोई भी वेस्ट नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई भी वेस्ट नहीं निकलेगा, कोई जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा। तो इसकी वजह से हम कह सकते हो कि ये पूरी की पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लांट है। अब देख लेते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इसके बारे में अभी आप देखा ना, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करेगा ये प्लांट। तो ये होता क्या है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज? इट इज एन इंजीनियरिंग अप्रोच टू वाटर ट्रीटमेंट। आपको पता है आजकल जो फैक्ट्रियां हैं, आपको पता है उसमें से बहुत ज्यादा लिक्विड वेस्ट निकलता है, ठीक है। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज क्या है, क्योंकि कोई भी जो लिक्विड जैसा वेस्ट है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। देख लीजिए, इट इज एन इंजीनियरिंग अप्रोच टू वाटर ट्रीटमेंट वेयर ऑल वाटर इज रिकवर्ड, ठीक है, एंड कंटेमिनेंट्स आर रिड्यूस टू सॉलिड वेस्ट। तो जो भी कंटेमिनेंट्स होता है, गंदापन होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं लिक्विड जो वेस्ट होता था वो बिल्कुल ही नहीं होगा। इट इज अचीव्ड बाय स्ट्रिंजिंग टुगेदर वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी दैट कैन ट्रीट वेस्ट वाटर एज द कंटेमिनेंट्स आर कंसेंट्रेटेड। ठीक है दोस्तों, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं रही है दोस्तों, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं एक सेकेंड दोस्तों। हाँ जी, बस ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये इसको देख लेते हैं, ठीक है। अदर बायोफिल इनिशिएटिव कौन कौन सी लिए गए हैं देख लीजिए। पहला है प्रधानमंत्री जीवन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जीवन का फुल फॉर्म क्या है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल आवास अवशेष निवारण। तो याद रखीजिए ये जीवन का फुल फॉर्म है, फिर से पढ़ देता हूं, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, यह योजना शुरू करी गई है। और इस योजना के तहत प्रोवाइड करा जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट यूजिंग लिग्नो सेलोसिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीडस्टॉक। सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी इज इट्स इंप्लीमेंटेशन एजेंसी। तो इसका ये इंप्लीमेंट करेगी दोस्तों इस पॉलिसी को, ठीक है। रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, जिसको शॉर्ट में रुको कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, आपको पता होना चाहिए। और रुको को किसने शुरू करा था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू करा था। और इसके जरिए, रुको के जरिए हम डाइवर्ट करना चाहते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल। आपको पता है रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत ज्यादा ऑयल जो है इस्तेमाल होता रहता है, तो उस यूज्ड कुकिंग ऑयल को हम लोग जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं, और यूज्ड कुकिंग ऑयल के जरिए हम बायोडीजल क्या करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, ठीक है। अगला है गोवर्धन स्कीम, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। गोवर्धन स्कीम का एम सिंपल सा है कि सपोर्ट करना विलेजेस को इन मैनेजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू बायोगैस एंड फर्टिलाइजर। अगला है E100 प्रोजेक्ट। E100 प्रोजेक्ट क्या है, E100 प्रोजेक्ट टू सेट अप अ नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथेनॉल अक्रॉस द नेशन। तो ई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एथेनॉल को, तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि एथेनॉल E100 प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, वो बोल देंगे एनर्जी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, किसी भी चीज से, या ई मोबिलिटी से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए एथेनॉल से रिलेटेड है। एथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी फ्रॉम स्टेट्स लाइक बिहार लीडिंग टू द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट इन पुरनिया। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है, तो बीपीएससी का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये पता होना चाहिए पुरनिया में जो है एस्टेब्लिश करा गया था ये ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट, ठीक है। अगला टॉपिक है वो है पीएम कुसुम स्कीम, इसके बारे में समझ लेते हैं। कुसुम स्कीम ये काफी पुरानी स्कीम है लेकिन फिर से न्यूज में आ गई है, समझते हैं ये क्यों न्यूज में आ गई। Why in news? Recently, the central government removed the performance bank guarantee clause for solar power generators components A to improve the PM Kusum scheme performance. तो इस वजह से ये टॉपिक न्यूज में आ गया था। टॉपिक क्यों न्यूज में आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, PM Kusum के स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये फुल फॉर्म है पीएम कुसुम का, याद कर लीजिए, पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको लॉन्च करा गया था 2019 में, किसने लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इसका एम सिंपल है एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स, ये करना। आपको पता है फार्मर जो है बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली आपको पता है खेतों में पानी वानी लगाने के लिए, तो उनके पास एनर्जी नहीं होती, तो उसी एनर्जी को सिक्योर करना इसका एम है, देख लीजिए। बाय हार्वेस्टिंग सोलर एनर्जी, और कैसे एनर्जी का इंश्योर करा जाएगा सिक्योरिटी, सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करके, ठीक है। इंक्रीज करना शेयर ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर
फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल अक्रॉस 40% बाय 2030 एज पार्ट ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा ये स्कीम टारगेट करती है कि ये ऐड करेगी 30.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी कब तक, 2022 तक। पहले जो ओरिजिनल टारगेट था वो था 25.7 गीगावाट का, ठीक है। एंड डीजलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर बाय रिप्लेसिंग डीजल पंप्स विद सोलर पंप्स। ऑब्वियसली आपको पता है डीजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फार्म सेक्टर में, तो डीजल को रिप्लेस करना है किसके साथ, सोलर पंप्स के साथ, ठीक है। पीएम कुसुम कंपोनेंट्स एंड इंप्लीमेंटेशन, तो पीएम कुसुम के कंपोनेंट्स देख लेते हैं और इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। की ऑब्जेक्टिव क्या है, की ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू द फार्मर्स, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड अचीव 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेशन बाय 2020 थ्रू इट्स कंपोनेंट्स। तो दोस्तों 100 गीगावाट सोलर पावर का टारगेट है 2022 तक, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स के जरिए अचीव करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स है देखते हैं इनको। कंपोनेंट ए है, देख लीजिए, टू सेट अप 500 किलोवाट टू 2 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स बाय इंडिविजुअल फार्मर्स। तो हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं इसको इस स्कीम के जरिए कि इंडिविजुअल जो फार्मर है एटलीस्ट अपने खेत में 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का पावर प्लांट जो है सेटअप कर सके, ठीक है। और इंडिविजुअल फार्मर्स, कोऑपरेटिव, पंचायत फार्मर्स, प्रोड्यूस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे सारे लोग सेटअप कर सके ऑन देयर बैरन और कल्टिवेटेड लैंड्स, ठीक है। अगला है दोस्तों प्रोजेक्ट स्मॉलर देन 500 किलोवाट में बी अलाउड, अर्लियर नॉट अलाउड, तो पहले अलाउड नहीं था, बाय स्टेट्स बेस्ड ऑन टेक्नो कमर्शियल फेसिबिलिटी, ठीक है। द पावर जनरेटर विल बी परचेज्ड बाय डिस्कॉम्स एट अ प्री फिक्स्ड टैरिफ डिटरमाइंड रिस्पेक्टिव एसईआरसी। सो सोचिए ऑब्वियसली टैरिफ जो है डिटरमाइन कर रखा है सरकार ने, तो उसी टैरिफ डिटरमाइन के आधार पर जो है जो पावर जनरेटर है विल बी परचेज्ड बाय डिस्कॉम्स, ठीक है। अगला है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, देख लीजिए, एट रुपीज 0.40 पर यूनिट और रुपीज 6.60 लाख मेगावाट अ ईयर विच एवर इज लेस विल बी प्रोवाइडेड बाय एम एन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टू डिस्कॉम्स फॉर 5 years फॉर बाइंग फ्रॉम आरपीजीस, ठीक है। अगला है कंपोनेंट बी, देख लीजिए कंपोनेंट बी क्या है, इसके जरिए सपोर्ट करना चाहते हैं 20 लाख इंडिविजुअल फार्मर्स को ताकि ये इंस्टॉल कर सकें स्टैंड अलोन सोलर पंप्स ऑफ कैपेसिटी अप टू 7.5 हॉर्स पावर वेयर ग्रिड सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। तो ये कंपोनेंट सेकंड है। पंप्स ऑफ हायर कैपेसिटी कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड, हाउएवर फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी लिमिटेड टू 7.5 हॉर्स पावर, ठीक है, कैपेसिटी के लिए सपोर्ट दिया जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट। इट इज मैंडेटरी टू यूज इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर सोलर पैनल्स, तो ऑब्वियसली जो कुसुम स्कीम है इसके तहत जो भी सोलर पैनल्स इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड करेंगे उनका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंपोनेंट सी को भी देख लीजिए, रीस्ट्रक्चर्ड टू सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स इंस्टेड ऑफ पंप्स एंड सपोर्ट्स 15 लाख इंडिविजुअल फार्मर्स टू सोलराइज पंप्स ऑफ कैपेसिटी अप टू 7.5 हॉर्स पावर। फॉर कंपोनेंट्स बी एंड सी, सेंटर बियर्स 30% ऑफ पंप कोस्ट, देख लीजिए सेंटर जो है कितना पंप कोस्ट बेयर करेगा 30%, वाई 70% इज बॉर्न बाय स्टेट ऑन डिस्कॉम्स के द्वारा। तो ये कंपोनेंट्स तीन हो गए और इन्हीं तीन कंपोनेंट के जरिए कि ये पीएम कुसुम स्कीम जो है वर्क करती है। कंपोनेंट्स ऑफ पीएम कुसुम देख लीजिए, वही मैं बता चुका हूँ, जो कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, फिर से देख लीजिए, इंस्टॉलेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट सेटअप करे जाएंगे। कंपोनेंट बी में इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप सेटअप कराए जाएंगे और कंपोनेंट सी में सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स कराया जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये कंपोनेंट्स आपसे डिटेल में कोई नहीं पूछेगा और इतना पूछेगा भी नहीं कि कंपोनेंट बताओ ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट की है क्या सी क्या है, मेजर आपको पता होना चाहिए बेनिफिट इसका, ठीक है। अब पीएम कुसुम स्कीम को लेकर कुछ इंप्लीमेंटेशन को लेकर चैलेंजेस भी हैं, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं पहला देख लेते हैं। सक्सेस ऑफ पीएम कुसुम इज क्रिटिकल टू रिप्लेस डीजल विद रिन्यूएबल एनर्जी इन द फार्म सेक्टर टू मेक इट डीजल फ्री बाय 2024, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिकल है कि हम लोग जो है डीजल को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सके रिन्यूएबल एनर्जी से 2024 तक के टारगेट, मतलब 2024 तक, ये बहुत क्रिटिकल है, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं इसको अचीव करने में कि हम लोग जो है फार्मर्स को सपोर्ट करें कि वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके करें फार्म सेक्टर में।
इट ऑफर्स अ नंबर ऑफ अदर बेनिफिट्स एज वेल। तो कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं कुसुम के तहत, वैसे तो मैं बता चुका हूँ काफी सारे बेनिफिट, अभी देख भी लेंगे कौन कौन से बेनिफिट दिए जाएंगे पीएम कुसुम स्कीम के तहत। देख लीजिए, पहला है स्टेट्स डिस्कॉम्स रिड्यूस सब्सिडी बर्डन ऑन स्टेट्स, इंप्रूव्ड फिजिकल हेल्थ ऑफ डिस्कॉम्स एंड रिड्यूस ट्रांसमिशन कॉस्ट एंड लॉसेस। ये पहला बेनिफिट है स्टेट्स और डिस्कॉम कंपनीज को। ठीक है, एनवायरमेंट को लेकर देख लीजिए, कर्बिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू रिड्यूस्ड डीजल कंजम्पशन, कंजर्वेशन ग्राउंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। फार्मर्स के लिए देख लीजिए, एनहेंसिंग फार्मर्स इनकम ऑब्वियसली, रिलायबल डे टाइम पावर फॉर इरीगेशन, इंप्रूव वाटर यूज एफिशंसी फॉर अश्योर्ड वाटर सप्लाई। अदर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट है देख लीजिए, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे अराउंड 7.55 लाख, सेविंग फॉरन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स। ठीक है, ऑब्वियसली डीजल कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा बूस्ट होगा डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को, मैन्युफैक्चरिंग भी इंप्रूव होगा विद लोअर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये सारे के सारे फायदे हैं अलग अलग लोगों को। ठीक है, स्टेट्स को क्या फायदा है, एनवायरमेंट को क्या फायदा है, फार्मर्स को क्या फायदा है और अदर्स को क्या फायदा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वापस आते हैं, चैलेंजेस कौन कौन से जुड़े हुए हैं। पहला है लिमिटेड इंसेंटिव फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए काफी लिमिटेड इंसेंटिव्स है, मैंने बता दिया स्टेट्स को काफी इंसेंटिव दिया जा रहा है, डिस्कॉम कंपनी को काफी इंसेंटिव दिया जा रहा है, लेकिन फार्मर्स को काफी कम इंसेंटिव है। ये पहला चैलेंज है। देख लीजिए, स्पेशली इन स्टेट्स विद फ्री पावर सप्लाई एंड फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स ड्यू टू स्कीम फोकस ऑन बिगर पंप्स। तो आपको पता है कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे पावर जो सप्लाई है किसान के लिए काफी फ्री है, तो इस वजह से उन किसान को इस पीएम कुसुम स्कीम का ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा। अगला है स्लो पेस ऑफ अडॉप्शन एंड सैंक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ ब्रिंगिंग कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ऑब्वियसली स्लो पेस है इस पीएम कुसुम को लेकर, अडॉप्ट करने को लेकर। ठीक है, एंड सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ ब्रिंगिंग इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। एग्जाम्पल देख लीजिए, अंडर कंपोनेंट ए के तहत, आपको पता कंपोनेंट ए के तहत अभी मैंने बताया था क्या क्या है। कंपोनेंट ए के तहत ओनली अबाउट 5000 मेगावाट कैपेसिटी हैज बीन सैंक्शन, इतनी ही सैंक्शन करी गई है विद इंस्टॉलेशन ऑफ जस्ट 42.75 मेगावाट टिल अप्रैल 2020, इतना ही सैंक्शन करा गया है। और कंपोनेंट बी और सी के तहत ओनली 3.6 लाख और 0.75 लाख इंडिविजुअल सोलर पंप जो है इनको सैंक्शन करा गया। तो इतना जब आप कम मतलब टारगेट्स रखोगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला है इंपैक्ट ऑफ पेंडेमिक, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता है पेंडेमिक जब आया था कोरोना, तो इसने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है, स्पेशली आपको पता है जो वेंडर्स थे, ठीक है, उन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है। ठीक है, अगला है इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट, बहुत ज्यादा इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे इसके रीजन है, जैसे कि राइज इन प्राइजेस ऑफ सोलर ग्लास ड्यूरिंग फ्लड इन चाइना। आपको पता है फ्लड आ गए थे चाइना में, जिसकी वजह से ज्यादातर आपको पता है ना सोलर ग्लासेस जो है चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसकी वजह से चाइना में जो सोलर ग्लासेस हैं उनका प्राइस काफी बढ़ गया। अब उनका प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, भारत में भी वो महंगे बिकेंगे। ठीक है, अगला है लॉजिस्टिक इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं ड्यू टू द डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन। अगला अपग्रेड कॉस्ट रिस्क भी बहुत आता है। ठीक है, आपको पता है अपग्रेड करना पड़ता है ना इन सोलर को, देख लीजिए अपग्रेड कॉस्ट रिस्क ड्यू टू रेपिड वाटर टेबल डिप्लेशन एज सोलर इंस्टॉलेशन अपग्रेड इज एक्सपेंसिव। अगला है अवेयरनेस इश्यूज अमंग बेनिफिशरीज एंड वेंडर्स। तो बहुत सारे अवेयरनेस इश्यूज भी हैं, किस किस के पास, बेनिफिशरी और वेंडर्स को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस इश्यूज भी हैं ड्यू टू डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट्स एजेंसीज इन द स्टेट। हाउ कैन रिमूवल ऑफ बैंक गारंटीज हेल्प। तो दोस्तों आपको पता है इस पीएम कुसुम के तहत जो रिमूवल कर दिया, किस चीज का हम लोगों ने, बैंक गारंटी का जो है रिमूवल कर दिया, तो ये दोस्तों कैसे मदद करेगी देख लीजिए। द रिमूवल ऑफ बैंक गारंटी फॉर सोलर पावर जनरेटर्स एंड ऑन फीडर सोलराइजेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैसे मदद करेगा। पहला, ये रिड्यूस करेगा मॉनेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑन सोलर पावर जनरेटर्स। दूसरा, ये इंक्रीज करेगा सोलर पावर परचेज को फ्रॉम डिस्कॉम्स हैविंग पावर परचेज एग्रीमेंट विद सोलर पावर जनरेटर्स। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा एक्सपेडाइट स्कीम इंप्लीमेंटेशन करेगा फॉर रिड्यूज डीजल कंजम्पशन इन फार्म्स एंड इंक्रीज करेगा सोलर पावर जनरेशन को। ये सारे के सारे फायदे हैं। तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन में कह सकते हैं दो वेल इंटेंशनड द स्कीम नीड्स ग्रेटर रीलुक एट इट्स फाइनेंसिंग एंड इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। तो ठीक है, आप कंक्लूजन में ऐसी लाइन लिख सकते हो कि भाई स्कीम का मोटिव बहुत अच्छा है, इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों को फाइनेंशियल और इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ताकि स्कीम का जो पेस है उसको इंक्रीज करा जा सके। इवन इफ इट इज अचीव
इवन इफ इट अचीव्स इट्स टारगेट बियाइंड स्केड्यूल्ड इट विल बी अ बिग पॉजिटिव इन इंडियाज एफर्ट टू सपोर्ट फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, अगला टॉपिक है वो है यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025। तो देख लेते हैं यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025 न्यूज में क्यों आ गया था। रिसेंटली प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025 वॉज लॉन्च्ड बाय यूएन एनर्जी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस एंड वर्सनिंग क्लाइमेट इमरजेंसी। तो आपको पता है पूरे वर्ल्ड लेवल में ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इसके अलावा क्लाइमेट इमरजेंसी भी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से, इसी चीज को देखते हुए जो यूएन एनर्जी है इसने प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025 लॉन्च करा है। ठीक है, अब समझते हैं इस प्लान ऑफ एक्शन के बारे में। वैसे तो आपको नाम से पता चल गया यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन है, 2025 तक का होगा। देखते हैं इसके बारे में और। इट इज अ मेजर स्टेप टू कैटलाइज द लार्ज स्केल एक्शन एंड सपोर्ट नीडेड फॉर द ट्रांजिशन टू क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल एंड नेट जीरो एमिशन। तो इसका एम सिंपल है इस पॉलिसी का कि हम लोगों को कैटलाइज करना है, यानी इंप्रूव करना है लार्ज स्केल एक्शंस को। ठीक है, एंड सपोर्ट करना है नीडेड फॉर ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। ठीक है, हम लोगों को सपोर्ट करना है कि हम लोग जो है ट्रांजिट कर सके क्लीन एनर्जी की तरफ। ठीक है, और नेट जीरो एमिशन पूरा ग्लोबल वर्ल्ड बन पाए। इसके अलावा और देख लीजिए, एनर्जी कंपैक्ट एक्शन नेटवर्क जिसको शॉर्ट में ECAN कहा जाता है वॉज ऑल्सो लॉन्च। इसको भी लॉन्च करा गया है इसी स्कीम के तहत, या टारगेट के तहत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। टू मैच गवर्नमेंट सीकिंग सपोर्ट फॉर देयर क्लीन एनर्जी गोल्स विद द गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस दैट हैव ऑलरेडी प्लेज्ड ओवर 600 बिलियन इन असिस्टेंस। तो देख लीजिए एनर्जी कॉम्पैक्ट नेटवर्क क्या होगा, इसको लॉन्च करा गया है ताकि ये मैच कर सके जो भी गवर्नमेंट सीकिंग सपोर्ट है फॉर देयर क्लीन एनर्जी। मतलब जो भी गवर्नमेंट है वर्ल्ड में जो सीक कर रही है सपोर्ट को फॉर देयर क्लीन एनर्जी गोल्स को अचीव करने के लिए, और उनको मतलब मैच करना किसके साथ, गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस के साथ जिन्होंने ऑलरेडी प्लेज कर रखा है ओवर 600 बिलियन इन असिस्टेंस। ठीक है, तो फिर से बोल देता हूं, वो गवर्नमेंट जो पैसा मांग रही है क्लीन एनर्जी के लिए, और जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, गवर्नमेंट या बोल लीजिए बिजनेस बोल लीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी पैसा दे दिया है क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए, तो इन दोनों को मीट करवाने के लिए ये एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क लॉन्च करा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 क्या कहता है, जो कि आपको पता है 2030 तक अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 कहता है कि हम लोगों को एंश्योर करना है यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल और मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज का। इसके अलावा ये गोल और कहता है कि इंक्रीज करना सब्सटेंशियली द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द ग्लोबल एनर्जी मिक्स एंड डबल करना ग्लोबल रेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी। तो इस टारगेट को अचीव करने में भी ये पॉलिसी या ये टारगेट मदद करेगा। 7 एरियाज आइडेंटिफाइड अंडर यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन, कौन कौन से देख लीजिए, 7 एरियाज आइडेंटिफाई करे गए हैं इस यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन के तहत। पहला है स्केल अप कलेक्टिव यूएन एनर्जी एक्शन। ठीक है, तो हम लोगों को स्केल अप करना है कलेक्टिव यूएन एनर्जी एक्शंस को। देख लीजिए, जॉइंट प्रोग्राम्स सपोर्टेड बाय यूएन एनर्जी एंड लेवरेजिंग रेलेवेंट एनर्जी कॉम्पैक्ट टू सिग्निफिकेंटली स्केल अप कलेक्टिव यूएन सिस्टम एक्शंस। तो इसके जरिए होगा क्या, इसके जरिए ये मदद करेगा हमको कि हम लोग जो है क्लोज कर सके द एनर्जी एक्सेस गैप को, इंक्रीज कर सके मॉडर्न रिन्यूएबल कैपेसिटी ग्लोबली, और इंप्रूव कर सके एनर्जी एफिशिएंसी को विद अ स्पेशल फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। इट विल हेल्प टू प्रमोट एनर्जी लिंकेज टू एम्प्लॉयमेंट जेंडर इंटरजनरेशनल इक्वालिटी हेल्थ फूड एजुकेशन एंड ऑल अदर SDGs। ऑब्वियसली इन सारे SDGs में मदद करेगा। आप खुद सोचिए, जब आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए ना एनर्जी जब आपके पास आएगी तो ऑब्वियसली जेंडर इक्वालिटी आएगी, क्योंकि आपको पता है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए वुमेन जो है इधर उधर भागती है। इसके अलावा हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आएगी, है ना, आपको पता है डीजल वगैरह का इस्तेमाल करके एनवायरमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है, तो हेल्थ में इंप्रूव होगा, फूड में इंप्रूव होगा, एजुकेशन वगैरह इन सब में मदद करेगा। स्केल अप एनर्जी कॉम्पैक्ट, तो देख लीजिए ये अगला क्या है, अगला एक तरीके से 7 एरिया जो है आइडेंटिफाई करेगा ना, जहाँ पे हम लोगों को स्केल अप करना है, वर्क करना है। दूसरा है स्केल अप करना एनर्जी कॉम्पैक्ट थ्रू ECAN। अभी मैंने बताया था ECAN के ऊपर, यूएन एनर्जी विल क्रिएट अ फ्रेमवर्क टू ब्रिंग न्यू स्टेक होल्डर्स अबोर्ड। तो दोस्तों इस ECAN के जरिए, जो यूएन एनर्जी है ये क्रिएट करेगा फ्रेमवर्क, और इस फ्रेमवर्क के तहत हम क्या करेंगे, जो नए नए स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं उनको लाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और फोस्टर करेंगे कोलिशन बिल्डिंग और ड्राइव करेंगे टुवर्ड्स कंटिन्यूस इंक्रीज इन एम्बिशन एंड एक्सेलरेटेड एक्शंस, और कैटलाइज करेंगे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, जब आप नए स्टेक होल्डर्स को लाओगे ऑब्वियसली फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट तो आएगी ही आएगी।
अगला देख लीजिए, लीड अ ग्लोबल कंपेन फॉर एसडीजी 7 एक्शन। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 7, इसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं एक ग्लोबल कैंपेन को। कैंपेन विल एडवोकेट द ग्लोबल रोड मैप, कंट्रीब्यूट टू द मोबिलाइजिंग एडिशनल एनर्जी कॉम्पैक्ट, कम्युनिकेट करेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सपोर्ट ऑफ एक्सेलरेटिंग एसडीजी एक्शन, मेकिंग यूज ऑफ डायनामिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया। ऑब्वियसली इन सभी का इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, तो इसकी वजह से कैंपेन जो है एसडीजी का 7 को अचीव करने में हमें काफी मदद मिलेगा। जब आपका कैंपेन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एसडीजी 7 जो है अचीव हो पाएगा। कैंपेन विल ऑल्सो लेवरेज एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोसेसेस सच एस यूनीएफसीसी। ऑब्वियसली जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट को लेकर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि यूएनएफसीसी, कॉप, इरेना है असेंबली, वेना एनर्जी फोरम और अदर्स जो है, ठीक है, इनको भी क्या कर सकता है, लेवरेज कर सकता है। ठीक है, कैंपेन विल ऑल्सो लेवरेज एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोसेसेस। अगला है दोस्तों लीड बाय एग्जांपल्स। तो इसमें क्या बोल सकते हो, इसमें बोल सकते हो दोस्तों ग्रीनिंग यूएन एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन। तो दोस्तों पहली बात दोस्तों, जो भी यूएन एनर्जी की ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन एनर्जी को खुद ये कोशिश करना चाहिए कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रीन एनर्जी पे ऑपरेट करे, तभी तो आप दोस्तों एग्जांपल सेटअप कर पाओगे वर्ल्ड में। ठीक है दोस्तों, टू इंप्रूव द यूएन सिस्टम्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑन ऑल एनर्जी रिलेटेड इश्यूज विद व्यू टू रिड्यूस कार्बन एंड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स ऑफ इट्स ऑन ऑपरेशन। वही मैं बता चुका हूं दोस्तों, इसको यूएन एनर्जी को खुद की ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो। अगला है कन्वेन करना एनुअल ग्लोबल एसडीजी एक्शन फोरम को। तो दोस्तों कोशिश करना है कि एनुअल ग्लोबल एसडीजी 7 एक्शन फोरम बनाया जा सके और इसको हर साल मीटिंग भी हो सके। ठीक है, इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो दोस्तों इसको यूएन जनरल असेंबली के तहत ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और ये वर्क करेगा कंस्ट्रक्टिवली। क्या वर्क करेगा, रिव्यू करेगा, डिस्कस करेगा और एडवांस करेगा रिलेवेंट इश्यूज को। ये सपोर्ट करा जाएगा यूएन एनर्जी के द्वारा एंड बिल्ड ऑन यूएन डिकेड ऑफ ऑन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल 2014-2024। तो दोस्तों इस डिकेड पे डेवलप करा जाएगा, इसको बिल्ड करा जाएगा। ठीक है, जो आपको पता है 2014 से लेकर 2024 तक का जो टारगेट रख रखा है सस्टेनेबल एनर्जी का, इसी टारगेट के आधार पर इसको बिल्ड करा जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्म करना ग्लोबल एजेंडा सेटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेट करना थॉट लीडरशिप। ये भी अगला वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, By harnessing the UN system's collective strength, UN energy can provide analytical inputs for intergovernmental dialogues or share knowledge and document best practices on institutional arrangements or technologies. ये सब कुछ कदम उठा सकती है। अगला है track करना और share करना results को। UN energy will track the development or implementation of energy compacts. तो obviously जो भी development और implementation of energy compacts हो रहा है उसका data इकट्ठा करना और उसको मॉनिटर करना, उसके बाद दोस्तों उस डाटा वगैरह को कम्युनिकेट करना, ये भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने सारा का सारा पढ़ लिया। ठीक है, अगला है यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, यूएन एनर्जी की बार बार बात हो रही है तो यूएन एनर्जी एजेंसी जो है इसके बारे में जान लेते हैं। यूएन एनर्जी दोस्तों एक यूनाइटेड नेशंस का मैकेनिज्म है, और क्या मैकेनिज्म है, फॉर इंटर एजेंसी कोलेबरेशन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों जितनी भी एजेंसी हैं उनका क्या हो सके, इंटर एजेंसी कोलेबरेट हो सके किस चीज में, फील्ड इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। इस वजह से यूएन एनर्जी को बनाया गया है। फिर से बोलता हूँ, जो भी एजेंसी हैं उनका कोलेबरेशन कराया जा सके इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, इसीलिए यूएन एनर्जी बनाई गई है। और इसको इस्टेब्लिश कराया गया था बाय यूएन सिस्टम चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो जिसको शॉर्ट में सीईबी कहा जाता है, क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके द्वारा इस्टेब्लिश कराया गया था। जो यूएन एनर्जी है इस सीईबी को ही रिपोर्ट करती है एक हाई लेवल कमेटी ऑन प्रोग्राम्स के द्वारा। तो इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट करती है जो भी डेवलपमेंट हो रही है। इट ब्रिंग्स टुगेदर 30 ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ग्लोबल लीडर्स। और ये जो यूएन एनर्जी है ये 30 ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल लीडर हैं उनको भी साथ में लेकर आती है इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, कवरिंग टुगेदर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम सिंपल है, एम क्या है, इंप्रूव करना, प्रमोट करना कोहेरेंस इन द यूएन सिस्टम्स मल्टीडिसिप्लिनरी रिस्पांस टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 इन सपोर्ट ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इन सभी को अचीव करवाना इसका एम है। ये एनहांस करता है कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेटिव एक्शंस विद इन द यूएन विद रिगार्ड्स टू पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन एज वेल एज नॉलेज शेयरिंग इन द एरिया ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के एरिया में
यह यूएन एजेंसी एनर्जी जो है क्या करती है, एनहेंस करती है कोऑर्डिनेशन को और कोलैबोरेटिव एक्शंस को, ठीक है, विद इन द यूएन रिगार्ड्स टू पॉलिसी डेवलपमेंट। मैं बता चुका पॉलिसी डेवलपमेंट को लेकर, इंप्लीमेंटेशन को लेकर और नॉलेज शेयरिंग को लेकर वर्क करती है, ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। 2025 माइलस्टोन्स क्या क्या है आप देख लीजिए, इसी यूएन एनर्जी के क्या क्या माइलस्टोन है आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। 500 मिलियन मोर पीपल हैव गेन्ड एक्सेस टू टू इलेक्ट्रिसिटी, 1 बिलियन मोर पीपल हैव गेन्ड एक्सेस टू क्लीन कुकिंग सॉल्यूशंस। इसके अलावा एनुअल इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज टू $35 बिलियन एंड इन एक्सेस टू क्लीन कुकिंग इंक्रीज टू $25 बिलियन। इसके अलावा नो न्यू कोल पावर प्लांट्स इन द पाइप लाइन आफ्टर 2021, 100% इंक्रीज इन मॉडर्न रिन्यूएबल कैपेसिटी। ये सारा का सारा देख लीजिए, डबल करना एनुअल इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंस ग्लोबली, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन सब्सिडीज जो है रीडायरेक्ट करना किसके प्रति, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी के, उनको क्या करना, रीडायरेक्ट करना जो भी सब्सिडी अभी फॉसिल फ्यूल पे दी जा रही है। 30 मिलियन जॉब करना क्रिएट किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर में, ठीक है, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। एनर्जी कॉम्पैक्ट देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, कोल गैसिफिकेशन, इस टॉपिक को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।